शादी नहीं हो सकती, और अगर ये शादी आप लोगों ने होने दी तो बहुत बड़ी गलती करोगे। शुभ शुभ बोल बबल, शुभ शुभ बोल। एक मिनट अमरीश, उसे बात करने दो प्लीज। हाँ बबल्स बोलो, तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि रजनी की शादी शान से नहीं होनी चाहिए? अगर वो लड़की इस घर की बहू बनी तो सुख का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा इस घर के लिए, और अमावस की काली रात का साया हमेशा के लिए छा जाएगा। आज कितने पी रखी है तुमने? ओ भैया, और तुझे छड्डो, और रब दी सौ भाभी, और मैंने उसकी कुंडली खुद बनाई है। रजनी, तेरे जन्म की तारीख क्या है? 13 जनवरी और साल 2016 है। मजाक कर रही है, वो मैथ्स बहुत खराब है बिचारी का। नो, मेरा मैथ्स बहुत पक्का। 17995 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है? 1995 ईयर ऑफ बर्थ 21 साल की है बिचारी। पैदा होने का टाइम अपग्रेड होके 60 घंटा 6 मिनट और 6 सेकंड हो गया है। की बोल रहे हैं? 6:06 पे पैदा हुई थी ना। ओ स्वेर दे की शाम के स्वेर दे। अच्छा 6:06, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसकी कुंडली तो शैतान की कुंडली है। 6:06 मतलब राक्षस योग, उसकी कुंडली में सारे शैतानों के गुण हैं। बस तुम्हारी इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता अमरीश, अंडरस्टैंड? ये शान की लाइफ का सवाल है। और चुप कर सुनीली, तू तो पढ़ी लिखी है भाई, तू ऐसी बेफालतू की बातों पे यकीन कर रही है? ये नहीं बोल रही, इसका ये पौवा बोल रहा है, पौवा। वो बिल्कुल नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप खुद से कुंडली देख लो ना, ये लो देखो। लेट्स सी। शी इज राइट। क्या? ये बात बबल्स नशे में नहीं कर सकती। और तो और, आज की अगर मैं आपको एक बात बताऊंगी ना, आप यकीन नहीं करोगे। मैं ना जब रसोई में गई तो रजनी का ना ये बड़ा हाथ मैंने देखा। हाय रब्बा, बिल्कुल भूत की तरह। ओ भैया, 10-12 फुट तो होगा। वाह की वाह। अब बताओ, अगर मैं नशे में होती तो क्या मैं वो सब देख सकती थी भैया? नहीं ना। बबल्स, तुम ये क्या बोल रही हो? देखो, तुम्हारी पत्रिका वाली बात मैं समझ सकती हूँ, इट्स अ साइंस, बट रजनी और भूत थोड़ा ज्यादा है। गॉड, पहली बार बबल्स मैंने तुम पर ट्रस्ट करने की कोशिश की, बट तुमने ये मौका भी गवा दिया। बाबी, और तुझे मेरा यकीन करो भाई, यकीन करो। कर ये कर, चिरिली, इसकी बात का यकीन करो। बाबी, बस करो बबल्स, प्लीज स्टॉप इट। अब रजनी को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाय 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 सुनीली, आज दिन भर में समझदारी वाली बात तूने आज पहली बारी कही। सुनीली, मैं जानता हूँ रजनी तेरी पसंद नहीं है, पर रजनी ने तेरे जिद के चलते कितनी सारी परीक्षाएं दी और हर परीक्षा को पहले नंबर से पास, पर हुन बस ना सुनीली, बस ओए शान खुश, बाकी के सारे घर वाले भी खुश। मैं कि अब तू भी इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। चल नीचे चलिए, रोके दी तैयारियां करिए, चल आ जा। ओ भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब यकीन तो करो। तू पहले चल, कम खराब कर दी भैया। चुप। क्या हुआ, नाना जी ने पास किया या फेल? एकदम पास। मेरे को फेल होने को आपने सिखाया नहीं शान। सुपर गुड, तो नाना जी ने एकदम पास कर दी। एकदम पास, मेरे एकदम पास आया वो, मैं उसको भगा दी जैसा पुलिस चोर को भगाती। क्या मतलब? मेरे को चोचा मारने को आया कौवा, उसको मैं ऐसा करंट दिखाई कि उधर ही ब्रेक मार के यू टर्न लेके काव काव करके खिसक लिया कौवा।
माय साइड की ना शान। नो नाना जी को करंट, आई मीन कौवे को करंट। माँ क्या बोली, माँ वहीं पे थी, माँ ने पास कर दिया। एकदम पास, मेरे एकदम पास आए, मैं उनको ऐसे भगा दी जैसे पुलिस चोर को भगा दी। वाओ पम्पकिन, वाइब्स में ना मैं बहुत यंग लगती हूँ। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मफिन यंग लगे? वो मफिन, तुम कितना सोचती हो मेरे बारे में। ये ध्यान, आज क्या हुआ गार्डन में, रजनी को नाना जी ने पास किया या फेल? भैया एक मिनट, हम लोग बिजी है ना, बाद में बात करते हैं। शर्मिला भाभी, पम्पकिन, मैंने तुम्हारे लिए ये बेज जैकेट चूज किया है, मैं वाइट पहनूंगी और तुम बेज, मैचिंग मैचिंग। ओ मफिन, तुम इतना मत सोचा करो मेरे बारे में, दिस इज टू मच। पम्पकिन, 150 कैंडल लाइट और सारे जगह ये वाइट और येलो फ्लावर्स चाहिए मुझे। ये सब क्या हो रहा है? तैयारी हो रही है। किसके लिए? तेरे शादी की और किसकी? मतलब नाना जी ने हाँ कर दी? हाँ मतलब शायद, शायद मतलब हाँ ना। कुछ लोगों का मानना था कि नाना जी के नाम में हाँ है, और कुछ लोगों का मानना था कि नाम में हाँ था। इस घर में हर कोई गोल गोल चक्कर में क्यों बात करता, सीधे बताओ ना क्या बोला। शान तुझे क्या लेना उससे, तू बस इतना समझ कि नाना जी ने हाँ कर दिए और तेरे शादी की तैयारी हो रही है। तू भी तो वही चाहता था ना। नाना जी ने रजनी को आशीर्वाद दे दिया ना? बस दे दिया दे दिया। तुझे अपने रजनी पे भरोसा नहीं था? रजनी आज तुमने बहुत बड़ा टेस्ट पास किया है, so proud of you. Sorry, मैं टाइम पे पहुंच नहीं सका, तुम्हारे एक अपग्रेड पे काम कर रहा हूं। इस लिस्ट का मैं क्या करूंगा, आप मुझे टोटल करके बताइए ना। एक मिनट सर, मैं अभी बता दूंगा। हाँ ₹455,309। गुड ट्राई रजनी, गुड ट्राई। 455,309 तो सही कहा मैडम आपने। क्या बात है शान, रजनी की खूबियां तो खत्म ही नहीं हो रही, रोज एक नई चीज पता चल रही है। अमेजिंग लेडी हाँ। पर रजनी, तुमने वो हिसाब इतनी जल्दी किया कैसे? हिसाब करने से कोई अमेजिंग नहीं हो जाता, शान को बीवी की जरूरत है, बैंकर की नहीं। तो कैसे अमेजिंग होते हैं शोना? ये शान के बारे में क्या जानती है, क्या पता इसे? हाँ। शान के बारे में मेरे को सारी जानकारी होना। वजन 77 kg 300 g, कद 6 feet, चमड़ी गोरी, आंखा भूरी, ऑलमोस्ट काली, इनका सोने और उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं होना, माँ के हाथ की बनी मछली उंगली चाट चाट के खाते, इनका दाएं पैर का उंगली बाएं पैर से छोटी होना। शान, ये बात तो तुझे भी नहीं पता होगी ना। एनीवे रजनी किसी भी मामले में कमाल क्यों ना हो, पर रोमांस के मामले में ये दोनों हमारे सामने कुछ नहीं है। रोमांस, रोमांस बोले तो क्या? शान तूने रजनी को रोमांस के बारे में कुछ नहीं बताया? ए ना चाल पे। क्या बेकार की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, चलो। नहीं शान, वैसे बात पते की है, हमने भी तुम्हें रजनी से प्यार भरी बातें करते कभी नहीं देखा। ऐसे क्यों? तो क्या सबके सामने रोमांस करूं भाभी? अरे why not? Why not? थोड़ा बहुत तो दिखाना ही चाहिए। अरे भाई पति पत्नी बनने वाले हो तुम दोनों, पता है मैं तो शादी के पहले भी मफिन का हाथ कभी नहीं छोड़ता, और मुझे शादी के बाद भी आंखें बंद करके परमिशन लेनी पड़ती है उधर। क्या कर रहे हो? अरे यार आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? मैं और रजनी जैसे भी है बहुत खुश है, जितना रोमांस जरूरी है उतना है हमारे बीच, राइट? एक मिनट, रोमांस बोले तो चुम्मा चाटी, छूना छूना, वो तो ये मेरे को रोजाना करते, कभी इधर छूते, कभी इधर छूते, और कभी शाह तू रजनी से अपने हवस के लिए शादी कर रहा है? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। हेलो एक्सक्यूज मी, आंखें खोलना सेफ है क्या शान? अरे आंखें खोलो, चले गए वो लोग। किधर गए? रोमांस का पार्ट पढ़ने गए होंगे। शायद छूने छूने गए होंगे।
लगता है शांत भैया रजनी से किसी भी हाल में शादी करके ही रहेंगे। अब तो रजनी को रोमांस भी सिखाएगा। कैसे? हिंदी फिल्मों की तरह, जहाँ एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को चूमने जाते हैं और बीच में दुख निकल आते हैं। अबे वो सब 80s में होता था, अभी नहीं होता। अरे लेकिन अगर आजकल की फिल्मों जैसे रोमांस सिखाएगा ना तो घर में सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो नॉर्मल सिखाना पड़ेगा ना रोमांटिक, नहीं तो भाई बहन लगेंगे हम लोग। मेरे बेटे रोमांस कैसे सिखाएगा तू, तुझे खुद को तो आना चाहिए ना। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। हाँ हाँ, जिसे रोमांस के नाम पे तो साइंस की थ्योरी पढ़ाया करता था। जो भी हो यार, मेरे लिए वो भी एक रोमांस था। शान, मेरा डेटा बता रहा कि आपके सिस्टम में भी रोमांस का कमी होना। मेरे को रोमांस सिखाने के वास्ते आपको रोमांस सीखना पड़ेगा। समझा बेटा, तू ये रंग दे, तुझसे रोमांस नहीं होने वाला, तू रोबो बना, रोबो। इसीलिए तुझे बुलाया मेरे भाई। देख मैं सुबह से इस पे काम कर रहा हूँ, उसके सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने चेक कर लिए, रोमांटिक फीचर्स लोड भी किए, पर ये रिएक्ट ही नहीं कर रही रोमांटिक तरीके में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग रीफॉर्मेट करते हैं, ठीक है, पूरे सॉफ्टवेयर फिर से लोड करते हैं। तू डिकोडिंग चालू कर और खास रोमांटिक बेस रखते हैं इस बार। सॉफ्टवेयर की नहीं, सॉफ्ट हार्ट की जरूरत होती है। रोमांस के लिए प्यार नाम की चिड़िया की जरूरत होती है। चिड़िया पिड़िया कुछ नहीं, जो है यही है, रजनी को रोमांटिक बनाना है बस। ठीक है, मैं चैलेंज समझ के ये भी कर दूंगा। गुड देव, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, जैसे कि ये हैदराबादी तमिल या तेलुगु बन गई, तो मैं तुझ पे रजनी छोड़ दूंगा। ए भाई, मुझे लगता है तू दो लाफे मार ले, लेकिन रजनी मत छोड़ प्लीज, बहुत मारती है। तो तू एक काम कर, तू जा और मुझे डिस्टर्ब मत करना। दो घंटे बाद आके अपनी क्वीन ऑफ रोमांस को ले जाना। रोबो को रोमांस सिखाना है। कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। बताओगे नहीं तो समझूंगी कैसे। अरे यार अब इसको कैसे समझाऊं, ये समझेगी ही नहीं। रजनी मेरी तरफ देखो, मान लो कि लड़की के आसपास बहुत सारे लोग हैं और लड़का लड़की से अकेले मिलना चाहता है, तो वो सीटी बजाएगा और उसकी सीटी सुनकर लड़की उससे अकेले में मिलने आएगी। ऐसे समझी, अब तुम करके दिखाओ। अरे वाह 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 रजनी, तुम तो मुझसे भी अच्छी सीटी बजाती हो। प्यार इश्क मोहब्बत दिल का काम है, दिमाग का नहीं। दिल बोले तो हार, दिल तो सोचता ही नहीं, वो तो खून का पंप होना बॉडी में। अरे वो ही तो मजा है, प्यार सोच के समझ के नहीं किया जाता है, वो तो हो जाता है। दिल देना दिल लेना, यही तो प्यार का दूसरा नाम है। कोई दिल देकर कैसे जिंदा रह सकता, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। किसी दूसरे को दिल देने का क्या मतलब, जब इंसान के पास ऑलरेडी एक दिल होना। दो दो दिलों का क्या करना मियां? अरे तुम क्या समझती हो, दिल देना कोई हॉस्पिटल में जाके दिल एक्सचेंज करने वाली बात है क्या? तो दिला और कैसे दे सकते मियां? आइडिया, इस वक्त सिर्फ एक इंसान मेरी मदद कर सकता है, यश चोपड़ा जी। तो भाई साइड में लगा, नेटवर्क नहीं आ रहा। हेलो, अरे हाँ पैना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और सुन, मैंने जैसा तुझे बोला है ना, तू वैसा ही करना। मेरे लिए लड़कियों की फोटो ढूंढ के रखना, मैं बिना फोटो देके शादी नहीं करूंगा। और तुझे तो मैंने बताया ही है कि मुझे कैसी लड़की पसंद है, एकदम ऐश्वर्या जैसी। हैं ऐश्वर्या, तुम्हें हमारी काम वाली ऐश्वर्या पसंद है? हैं क्या पहना तू भी? मैं हीरोइन ऐश्वर्या की बात कर रहा हूँ यार। ओह अच्छा 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 अच्छा, तू फोन रख, मैं छेती आया। बलवंत भाजी कितनी दम है।
जय देव महाराज जी की। यस लो सर, आ गई आपकी मंजिल। नहीं रे पगले, मंजिल अभी मिली कहाँ है? नहीं सर, यहाँ आपको पहुंचना था वो वाली मंजिल। ओ कितना हुआ? 500 रुपए। थोड़ा वेट कर, मेरी बहन अभी आती होगी, वो तुझे पैसे देगी। सर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है 500 रुपए, आप ही दे दो ना। ओए, तुझे पता मैं कौन हूँ? लेडी किलर बोलते हैं मुझे, लेडी किलर। आप औरतों का खून करते हो? तेरा खून कर देना मैंने अभी। दूसरी वाली लेडी किलर है, लड़कियां जान देती है मुझ पे। अभी तक 335 लड़कियों ने ना मुझे छुआ है, दिखाऊं? ये देख, 335 लड़कियां, ये है वो और ये उनके एड्रेसेस। 335 नंबर कोई छोटा मोटा मामूली नंबर नहीं होता। अबे कौन है तेरी